एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक बेहद महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक संख्या रेखा पर, नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं, संख्या रेखा पर ये काम किया है, यानी कि किसी बिंदु का निर्धारण हमने संख्या रेखा पर किया है। अब मान लो ये हमारे पास संख्या रेखा है, इस तरह से हमने मान लो आपको इस पे संख्या रेखा पे एक पूर्णांक 2 निर्धारित कर दिया है, तो 2 यहां पे कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। इसी तरह से एक पूर्णांक हमारे पास -3 आपको निर्धारित करना है, तो -3 यहां पे आ जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा पर हम किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को, या फिर हम किसी संख्या को ही कह लें, क्योंकि संख्या रेखा एक रेखा है जिसमें संख्याएं हैं, सॉरी संख्या रेखा पर किसी संख्या को किस तरह से निर्धारित करते हैं ये हमने सीखा है। लेकिन कई बार किसी बिंदु के निर्धारण में हमें प्राप्त एक सूचना से हमारा काम नहीं चलता, एक सूचना से हमारा काम नहीं चलता, हमें कुछ अन्य सूचना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक हमने क्या किया, एक प्लेन पेपर ले लिया, एक फोटोस्टेट का पेपर ले लिया और उस पे एक बिंदु लगा लिया। ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है जिस पे हमने एक बिंदु लगा दिया, तो इस बिंदु की स्थिति को हम किस तरह से बताएंगे, इस बिंदु की स्थिति को हम किस तरह से बताएंगे, इस पे विचार करते हैं। मान लो अगर मैं ये कहूं कि ये जो बिंदु है वो आधे से ऊपर है, ये जो पेपर है इसके आधे से ऊपर की तरफ है। अब देखो बिंदु का आधा, पेपर का आधा हमारे पास ये हो गया, मतलब इसको हम आधा मान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा आधा है, तो इससे ऊपर है, लेकिन आधे से ऊपर तो यहां पे कहीं पे भी हो सकता है। यानी कि इस सूचना के आधार पर हम पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा जो बिंदु है वो किस जगह पे है। अगर मैं इसको कहूं कि ये जो बिंदु है ये जो लेफ्ट साइड में जो किनारा है इस पेपर का, इसके ज्यादा नजदीक है बजाय राइट साइड वाले किनारे के, लेकिन लेफ्ट साइड के किनारे के ज्यादा नजदीक तो यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, इस जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, तो यहां से भी बिंदु की स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं लगता। और आगे बढ़ाते हैं स्टडी को। मान लो यहां से
और यहां तक की जो दूरी है, इस बिंदु तक की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये दूरी हम कितनी मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो किनारा है उससे इस बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो बिंदु है लेफ्ट साइड में जो किनारा है पेपर का उससे 4 सेंटीमीटर दूर है, उससे अगर 4 सेंटीमीटर दूर है तो 4 सेंटीमीटर दूर तो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी। तो 4 सेंटीमीटर दूर तो देखो अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही है, ये भी 4 है, तो यहां से तो यहां पे कहीं पे भी हो सकता है। तो यहां से भी बात क्लियर नहीं हुई, मतलब एक अंदाजा तो लग जाएगा कि यहां कहीं होगा, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, स्थिति है उसकी, उसके बारे में अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये कहें कि ये जो बिंदु है वो निचले किनारे से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, मान लो ये हमारा 15 है, ये जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये कहें कि ये जो बिंदु है वो निचले किनारे से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, ये 15 सेंटीमीटर दूर है, पेपर की बात करें तो यही आएगा नीचे तो आने से रहा, तो निचले किनारे से 15 सेंटीमीटर दूर तो यहां पे कहीं कहीं पे भी हो सकता है। यानी कि ये जो जानकारी हुई ये भी पूरी नहीं हुई, यहां पे ये भी जानकारी पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर हम ये कहें, पहले बच्चों, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो बिंदु है, ये हमारा जो बिंदु है वो लेफ्ट साइड में जो किनारा है उससे 4 सेंटीमीटर दूर है और निचले किनारे से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। अब देखो, लेफ्ट साइड से जो किनारा है उससे 4 सेंटीमीटर दूर है, तो 4 सेंटीमीटर दूर, यहां से 4 सेंटीमीटर मान लो, यहां से 4 सेंटीमीटर ये है, तो यहां पे ये कहीं पे भी हो सकता है। और निचले वाले किनारे से ये 15 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इससे 15 सेंटीमीटर ऊपर यहां पे आ गया, तो ये यहां पे कहां पे कहीं पे भी हो सकता है। अब देख लो ये दोनों बातें कहां पे इंटरसेक्ट की, इसको जब हमने प्लॉट किया तो ये दोनों अपने आप इस जगह पे आके मिल गई, उस बिंदु की स्थिति पे ही आके मिल गई। तो यहां से किसी तल पर, यहां से हम कह सकते हैं कि किसी तल पर किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें 2 स्वतंत्र सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, एक से काम नहीं चलता, एक से इससे भी काम नहीं चला था, एक से इससे भी काम नहीं चला था, यानी कि दोनों से हमारा काम चल गया था तो इसकी स्थिति का हमें पता चल गया था। अब यहां से देखो, यहां से यहां 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां ये 15 है, तो हम इसको इसकी स्थिति का निर्धारण इस तरह से कर सकते हैं कि इसको 4 15 द्वारा इसकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से इसको आप 15 4 भी लिख सकते हैं। अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिक्स करें, इसको 4 15 कहें या 15 4 कहें, फिलहाल हमने क्या लिख दिया इसको, इसको आप 4 15 भी कह सकते हैं और आप इसको 15 4 भी कह सकते हैं। तो जब आपने इसको 4 15 कहा, जब आपने इसको 4 15 कहा, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में किनारा है, लेफ्ट साइड में जो किनारा है इससे दूरी पहले लिखी है और जो नीचे किनारा है इससे जो दूरी है वो बाद में लिखी है, और जब आपने इसको 15 4 कहा है तो इसमें नीचे से जो दूरी है वो पहले लिखी है
और लेफ्ट साइड से जो दूरी है वो बाद में लिखिए, बस इतना फर्क है इसमें। आप इनमें से दोनों का निर्धारण किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक सिस्टम फिक्स कर लेते हैं, जब हम एक सिस्टम फिक्स कर लेते हैं फिर आपको एक तरीके से ही चलना पड़ता है। अभी यहां फिलहाल आप इन दोनों में से किसी भी यूज को भी यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक किसी तरह से अगर हम अपनी डेली लाइफ से ही कोई एग्जांपल लें, हम अपनी डेली लाइफ से ही कोई एग्जांपल लें, मान लो हमारे पास कक्षा 9 में जो स्टूडेंट है वो इस तरह से बैठे हुए हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ये हमने क्या बना दी कि कक्षा 9 की जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो बैठने की व्यवस्था वो बना दी। यहां 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 35 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मान लो आपको इस बच्चे की स्थिति का निर्धारण करना है, यहां पे जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी स्थिति का निर्धारण करना है, उसकी स्थिति को निर्धारित करना है। अब यहां से जब हम इसको इस तरह से बोलेंगे तो ये हमारे पास पंक्ति है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रो। तो ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ये पांचवी और ये छठी और ये सातवीं। और ये हमारे स्तंभ है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ये हमारे पास पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो इसकी यहां पे जो विद्यार्थी बैठा है उसकी स्थिति का निर्धारण करने से पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि तीसरी पंक्ति में कौन सा विद्यार्थी बैठा है, तीसरी पंक्ति में जो विद्यार्थी बैठा है उसका नाम क्या है, या तीसरी पंक्ति में कौन सा विद्यार्थी है। अब देखो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति में बैठे विद्यार्थी का नाम बताएं। तीसरी पंक्ति में तो ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी है, ये और ये भी है, पांच विद्यार्थी बैठे हैं। यानी कि यहां से हम किसी एक बच्चे के बारे में हम नहीं कह सकते, हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एक सूचना से हमारा काम नहीं चला, और अगर हम ये कहें कि चौथे स्तंभ में तीसरी पंक्ति में कौन बैठा है। अब देखो चौथा स्तंभ यह है हमारा, अब आप इससे चलेंगे तो अपने आप उस पोजीशन का पता चल जाएगा, ये चौथा स्तंभ है हमारा, चौथे स्तंभ में ये बच्चे बैठे हैं और तीसरी पंक्ति में ये तीसरी पंक्ति है। देखो यहां पर मिल गई अपने आप, यानी कि इस ये जो विद्यार्थी है
इसकी स्थिति कक्षा में क्या है? चौथे स्तंभ की तीसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ है और तीसरी पंक्ति है। अगर हमें निर्धारित करना है दो पांच, यानी कि दूसरा स्तंभ और पांचवी पंक्ति, दूसरा स्तंभ ये, तो यहां पे किसको निर्धारित करेंगे? दूसरे स्तंभ में पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो यानी कि ये निर्धारित हो गया। इस विद्यार्थी की जो स्थिति है वो निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से के अनुसार ये है। आप देख लो दो, दूसरा स्तंभ अपने आप उसी जगह पे जाके मिले, और पांचवी पंक्ति देखो यहीं पे आके मिला है। तो इस तरह से जब किसी तल पे हमें किसी बिंदु का निर्धारण करना हो तो हमें दो स्वतंत्र सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, दो स्वतंत्र सूचनाओं की जरूरत पड़ती है, और उन दो स्वतंत्र सूचनाओं के आधार पर हम उस बिंदु की स्थिति का, हमने क्या किया, इस विद्यार्थी को बिंदु मान लिया, उस स्थिति का निर्धारण कर लिया। और ये जो दो स्वतंत्र सूचनाएं हैं इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो लंब रेखाओं के द्वारा दर्शाई जाती है। देखो अब ये इसकी बात करें तो एक रेखा ये है और ये इस पे लंब रेखा, परपेंडिकुलर है, एक रेखा ये है हमारे पास और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक इसी तरह से जब हमने एक पेपर पे एक पॉइंट की स्थिति की बात की थी तो ये पॉइंट था, तो हमने एक ये था और यहां से ऐसे आया था ना, और इधर से ही आया था, तो यहां पे क्या दो रेखाएं आपस में एक दूसरे पे ये लंब है। ठीक इसी तरह से अगर हमारे दैनिक जीवन से इसको देखें और हमें अपने दोस्त रवि के घर के पता बताना है या रवि का घर ढूंढना है और ये कहा जाए कि रवि का घर सातवीं गली में है, अब सातवीं गली में तो बहुत सारे मकान हो सकते हैं, एक सूचना से हमारा काम नहीं चला। रवि का घर सातवीं गली में है तो इस एक सूचना से हमारा काम नहीं चला, लेकिन अगर साथ में यह भी कहा जाए कि रवि का घर सातवीं गली में तीन नंबर मकान है, मकान का नंबर बता दिया, तो बड़ी आसानी से हम रवि का घर ढूंढ लेंगे। अगर हम यह कहें कि रवि के घर का जो मकान नंबर है, रवि का जो मकान नंबर है वो तीन है, तो तीन मकान नंबर तो गली एक में भी होगा, दो में भी होगा, इस तरह से कई सारे होंगे, तो यहां से भी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। यानी कि अगर हमारे पास दो स्वतंत्र सूचनाएं हैं तो फिर हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो विचारधारा है किसी तल पर किसी बिंदु के निर्धारण की, यही हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, और ये गणित की एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण शाखा है। कक्षा 9 में इसका हम बेसिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति यानी कि अगर हम 3.1 की बात करें तो आपको जस्ट परिचय कराया जाएगा। 3.2 में कोई स्थिति दे दी आपको और आपको ये ढूंढना है कि ये स्थिति है क्या, कोई बिंदु का निर्धारण कर दिया और आपसे पूछ लिया गया कि ये जो बिंदु है ये किसको निर्धारित करता है। और तीसरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, तीसरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है
कि हमें जो बिंदु है उसका निर्धारण खुद करना है। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति, इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डकार्ते ने किया था। सबसे पहले इसका जो प्रयोग है वो फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने डकार्ते ने किया था, और इससे रिलेटेड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि ये जो महान गणितज्ञ थे ये अक्सर लेट उठते थे, उठने के बाद भी काफी देर तक पर बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, लेकिन वो आलसी नहीं थे। उनका लॉजिक ये था कि वो बिस्तर पे पड़े पड़े ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने बिस्तर पे लेटे लेटे ही उनके दिमाग में किसी तल पर बिंदु के निर्धारण का ख्याल आया, और उसने किस तरह से किसी बिंदु को किसी तल पर रिप्रेजेंट करते हैं इसकी व्याख्या की। तो इन महान गणितज्ञ रेने डकार्ते के नाम पे ही जो हम ये सिस्टम यूज करेंगे जिससे हम बिंदुओं का तल पर निर्धारण करेंगे उसका नाम कार्तीय तल। रखा गया और इस पद्धति का नाम कार्तीय पद्धति, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, और पद्धति को बोलेंगे हम कार्टेशियन सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज यानी कि स्टडी टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो टेबल पर लैंप रखा हुआ है उसकी स्थिति आप किस तरह से बताएंगे, इस पर विचार करना है। तो अगर आंसर की बात करें तो इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि इसका आंसर ये हो गया ये हो गया। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कोशिश करते हैं एक अध्ययन मेज बनाने की। यहां से एक प्रयास करते हैं, अगर मुझसे बनगी तो बढ़िया है, नहीं आप तो बना ही लेंगे।
तो ये हमने एक स्टडी टेबल या अध्ययन मेज बनाने की कोशिश की है, आप इसे बेटर बना सकते हैं मुझे पता है, तो आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से बना लें। मुझे आपको कनेक्ट सिखाना है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक टेबल दूर से देख लेते हैं एक बार, ये टेबल की तरह नजर भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमने एक स्टडी टेबल बनाई है, अब हम क्या करते हैं इस पे एक लैंप और बना लेते हैं कहीं पे, इस पे अगर हम लैंप बनाते हैं तो ये हमारा लैंप है, इस टेबल पे ये लैंप रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति बतानी है हमें, तो हम क्या करते हैं कि जो टेबल लैंप है, लैंप को एक बिंदु मान लेते हैं, तथा जो हमारे पास अध्ययन मेज है को एक समतल मान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि किसी भी बिंदु का निर्धारण के लिए हमें दो स्वतंत्र सूचनाओं की आवश्यकता होती है, तो दो लंब रेखाओं के द्वारा उसकी जो स्थिति है वो निर्धारित होती है। अब जो ये टेबल की बड़ी वाली साइड है उससे जो टेबल लैंप है उसकी दूरी मापते हैं, यहां से हमने ये दूरी मापी, तो ये दूरी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी हमारे पास, ये हमने दूरी माप ली, ये हमारे पास दूरी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। मान लो ये दूरी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब जो छोटी साइड है उससे लैंप की दूरी माप लेते हैं, ये हमारी मान लो 30 सेंटीमीटर है, तो हो गया हमारे पास जो लैंप का निर्धारण हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, टेबल लैंप को एक बिंदु मान लिया और जो अध्ययन मेज है उसको एक समतल मान लिया। अब क्या करेंगे कि बिंदु से, क्योंकि हमने बिंदु कह दिया कि बिंदु से टेबल की बड़ी कोण से दूरी ज्ञात की, और माना यह कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार बिंदु की टेबल की छोटी कोर से दूरी ज्ञात की और माना यह 30 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो टेबल लैंप है की स्थिति को, टेबल लैंप की स्थिति को किससे 20.30 या फिर 30.20 द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये जो स्थिति है उसको आप 20-30 से या 30-20 के द्वारा दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमने दूरियां ली है दो,
ये 20, 30, 25, 30 आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ किस बात से पड़ रहा है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि जो टेबल एम की स्थिति की दिखानी है अगर हमें, तो हमें दो स्वतंत्र सूचनाएं चाहिए जिनको हम दो लंब रेखाओं के रूप में लिख सकें। तो हमने दो स्वतंत्र सूचनाएं ली, एक तो बड़ी कोण से दूरी और एक छोटी कोण से दूरी, और उसको फिर हमने जो टेबल है उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक सड़क योजना से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, तो बनाते हैं अभी। तो एक तो उत्तर दक्षिण दिशा में है और एक पूर्व पश्चिम दिशा में है, यानी कि एक तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, वेस्ट और ईस्ट, ये पश्चिम ये पूर्व, और ठीक इसी तरह से एक है हमारे पास उत्तर दक्षिण दिशा में, ये हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ। ये नगर के केंद्र पर मिलते हैं, यानी कि यहां पे केंद्र पे चौराहा बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन दो मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। बाकी जितनी भी सड़कें हैं वो 200 मीटर की दूरी पे हैं और इनके समानांतर है, इनके समानांतर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। अब एक एक सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर का पैमाना लेकर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर का पैमाना लेके अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। तो एक एक सेंटीमीटर का पैमाना लेना है। अब देखो यहां से मान लो आपने इस तरह से दो लाइनें लगा दी। अब हमें क्या करना है, पांच पांच सड़कें बनानी है, इसके समानांतर पांच सड़कें बनानी है एक एक सेंटीमीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर हमारा 200 मीटर के बराबर होगा। तो एक सड़क हम यहां पर बना देते हैं, अभी एक इसी तरह से एक और बना दें, और ठीक इसी तरह से एक और बना दें। कितनी बन गई, एक दो तीन, दो इधर बना देते हैं, पांच बना लिए ना, तो एक यहां पे बन जाएगी, चार, और यहां से हम ये पांच ही बना देते हैं, पांच। तो ये जो हमारी मुख्य सड़क थी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ, इसके समानांतर हमने पांच सड़कें बना दी, 200-200 मीटर की दूरी पर। हमारा एक सेंटीमीटर वो 200 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हमारा ये जो मेन चौराहा है, अब इसके समानांतर भी एक दो ऊपर ले, हमें पांच पूरी करनी है तो तीन ऊपर ले लेते हैं, दो नीचे ले लेते हैं। तो यहां से हम अगर एक और दो, एक किसी तरह से एक हमने यहां पे ले ली, दूसरी हमने ये ले ली, और तीसरी आप स्केल के साथ बनाओगे इसको अच्छे से साफ साफ, तीसरी हमने ये ले ली, पांच सड़कें थी। अब इनकी नंबरिंग और कर दें, ये हमारा जो जो नगर का मॉडल है सड़कों से संबंधित वो हमने तैयार कर लिया। अब इनकी नंबरिंग और कर दें, यहां से हम इसको लिख दें कि ये हमारा मार्ग एक है, ये मार्ग दो, ये मार्ग तीन, ये हमारा मार्ग, सॉरी ये तो हमारी मुख्य सड़क है, तो ये मार्ग तीन, ये वाला मार्ग चार, और ये वाला मार्ग पांच।
तो ये पांच हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार और ये पांच, और ये हमारी मुख्य सड़क हुई, ये हमारी मुख्य सड़क है कौन सी, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ से। अब इसी तरह से इस पर हम लिख देते हैं, ये हमारी मुख्य सड़क होगी, मुख्य सड़क, ये हमारा मार्ग वन, मार्ग टू, ये हमारा मार्ग थ्री, मार्ग फोर और मार्ग फाइव, तो ये हो गई हमारे पास। अब यहां तक की जो उसने बात पूछी थी वो हमने कंप्लीट कर ली, आगे भी पूछ रहे हैं, वो मॉडल बनाना था वो हमने बना दिया। अब आगे बताया गया आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल है, बहुत सारी एक दूसरे को काट रही, यहां पे काट रही, यहां पे, यहां पे, यहां पे, बहुत सारी जगह पे काट रही। क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, चौराहा कहां बनता है, जहां पे दो सड़कें आपस में मिलती है। अब एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, बता दिया उसने कि क्रॉस स्ट्रीट यानी कि चौराहा कैसे बना है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। बिल्कुल सही बात है, देखो यहां पे अगर चौराहा बन रहा है तो एक तो ये उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ है और एक ये उत्तर दक्षिण दिशा, कहीं पर भी देख लो, एक तो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ, एक उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ, तो हमेशा यही होगा। अब आगे बता रहे प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ, यदि देखोगे उत्तर दक्षिण दिशा दूसरी, ये इसकी बात कर रहे हैं, इस पे हमने टिक मार्क कर दिया, इस पे हमने यहां पे टिक मार्क कर दिया। आप चाहो तो यहां पे भी एक दो तीन चार पांच लिख दो, नीचे लिखे ना ऊपर भी लिख दो पेशेगा, इसको फिलहाल हमने टिक मार्क कर दिया। जो दूसरी सड़क है वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, पांचवी सड़क ये इस पे हमने टिक मार्क कर दिया, पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। तो देखो भैया कहां पे मिलेंगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी, तो ये इस जगह पे मिलेगी। देखो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ, तो ये इस जगह पे मिलेगी हमारे पास। अब तो क्या कहे, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट दो पांच कहेंगे, तब हमें इसे क्रॉस स्ट्रीट दो पांच, इसका जो नाम दिया है वो दिया है दो पांच, यानी कि पहले उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क लिखी के लिए लिखा गया है, पहले उत्तर दक्षिण दिशा की सड़क का नाम लिखा गया है और फिर पूर्व पश्चिम दिशा वाली सड़क का नाम लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट दो पांच बन गई। अब ठीक इसी तरह से, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला पार्ट के पहले पार्ट में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को चार तीन माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को चार तीन माना जा सकता है, और दूसरा पार्ट कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को तीन चार माना जा सकता है, यह बताइए कि चार तीन कितनी है। अब यहां पे जो चार है वो किसको बताएगा, देखो यहां पे पहले कौन लिखना है, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जो सड़क है, अब चार यहां पे चौथी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ हमारे पास ये होगी, और तीन यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ तीसरी, तो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ तीसरी ये नहीं, यहां पे ये होगी। अब देखो एक तो ये हमने यहां पे रख लिया और एक यहां पे रख लिया, देखो चल दिए हम दोनों यहां पे आगे मिल गए, यानी कि ये जगह है, देख लो चेक करो ये जो जगह होगी इसका पता कैसे चलेगा,
पहले हमें उत्तर दक्षिण निर्देशांक बोलना है, तो उत्तर दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो उत्तर दक्षिण में यहाँ पे या यहाँ पे कौन सी है, चार, तो चार ही लिखा हमने। अब इधर चले तो कितना है, तीन हो गया, और तो कोई हो नहीं सकती, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जो चार तीन को बताएगी, तो कितनी है वो, एक, सिर्फ एक, एक ही बता सकती है, क्योंकि जब हमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जहां पे वो मिलेगी उस स्थिति का निर्धारण करना हो तो एक ही जगह पे मिलेगी ना, कोई भी दो सड़कें, एक सड़क इधर से आ रही है किधर से आ रही है, तो एक जगह पे मिल गई, तो वो एक ही तो जगह है जहां पे वो मिलेगी, तो वो एक ही हो सकता है। ठीक इसी तरह से तीन चार यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा वाली जो सड़क है वो कौन सी है, तीसरी है, तीसरी ये वाली, ये है भाई आपकी बार, और पूर्व पश्चिम वाली चार अब की बार ये है, तो तीन चार ये हमने तीन ली और ये हमने चार ली, तो इसको हम यहां से चलेंगे तो ये यहां पे मिल जाएंगे, ये हमारी कौन सी हुई थी, ये हुई थी चार तीन, और ये कौन सी हुई हमारी तीन चार, तो तीन चार भी एक ही जगह पे आ सकते हैं, ये तो अद्वितीय होगी, किसी भी बिंदु की जो स्थिति है वो तो अद्वितीय है, एक ही होगी, एक से ज्यादा तो नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, बिल्कुल बेहद ही बेसिक एक्सरसाइज थी, आपको बड़ा मजा आना है आएगा पूरा का पूरा चैप्टर करते हुए, बहुत आसान सी जो एक्सरसाइज है, एक बारी में ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो आप जो ये वीडियो है 3.1 के लिए आप इसको कम से कम दो बार देखें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।